मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र प्रकृति की एक ऐसी अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास या दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक संवेदी अंग है और इस संवेदी अंग को हम प्रकाश संवेदी अंग भी कहते हैं। मानव नेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का अंग है जो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मानव नेत्र, ह्यूमन आई की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आँख की संरचना कैसी है, हमारी आँख कैसे बनी हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दृढ़ पटल मानव नेत्र एक खोखले गोले का आकार का होता है जिसको दृढ़ पटल कहा जाता है। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह 2.5 सेंटीमीटर व्यास के गोले के अंदर रहता है और इसके बाहर एक सफ़ेद अपारदर्शी परत होती है जो कि बहुत ही कठोर होती है। उस कठोर परत को हम कहते हैं दृढ़ पटल। तो यह बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। वह खोखला गोला जो होता है इसी से ढका होता है और इसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह हमारी आँख की सुरक्षा प्रदान करता है और आँख को सुरक्षित रखता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त पटल क्या है। तो रक्त पटल किसे कहते हैं? तो रक्त पटल यह एक ऐसा भाग है जो श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहा जाता है। यह काले रंग की झिल्ली होती है, इसी काले रंग की झिल्ली को हम रक्त पटल कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कॉर्निया नेत्र गोलक के उभरे हुए भाग को कहा जाता है। इस उभरे हुए भाग को हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। प्रकाश यहाँ से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। इसी के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता हो। आँख को आयरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे आयरिस कहते हैं। यह कैमरे की तरह कार्य करता है। आँख का रंग आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। इसे हम परिचारिका भी कहते हैं। इस परिचारिका आयरिस आयरिस है, इसको हम आयरिस कहते हैं। आयरिस हो गया, आँख देख रहे हैं। यह पुतली पुतली क्या है? आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली का ये देख रहे हैं, पुतली ये यहाँ देखिए छोटा सा छिद्र है। इसी छिद्र के द्वारा प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो ये छिद्र थोड़ा संकरा हो जाता है जिससे कि प्रकाश जितना आवश्यक हो उतना ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और यदि प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाता है जिससे कि प्रकाश का पर्याप्त भाग अंदर प्रवेश कर जाए। नेत्र लेंस आयरिस के ठीक नीचे प्रोटीन से बना एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। लेंस के पिछले भाग की त्रिज्या छोटी तथा
तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो इस यहाँ पर देख रहे हैं यह लेंस है और इस लेंस कैसा है, यह एक द्वियुत्तल लेंस है और यह देख रहे हैं यह लेंस आयरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शक पदार्थ है जो बहुत ही मुलायम है और यह एक द्वियुत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस अभिचारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या, पिछला भाग इसका ये देख रहे हैं, ये पिछला भाग है, पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। इस लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। मांसपेशियाँ क्या हैं? यह नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। इन मांसपेशियों के द्वारा लेंस को समायोजित किया जाता है जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट और साफ दिखाई दे। यह देख रहे हैं यह पक्षमाभि मांसपेशियां हैं। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिके रहता है जिन्हें पक्षमाभि मांसपेशियां कहते हैं। इन्हीं को हम मांसपेशियों की सहायता से लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है जिससे दूर या पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन सके। तो इसलिए इसको हम पक्षमाभि मांसपेशियां कहते हैं। इसके बाद रेटिना रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल इसको कहा जाता है। इस पर्दे में पर्दे पर शंक्वाकार या दंडाकार दो प्रकार के संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। रेटिना यहीं पर होता है। यह रेटिना देखिए इसमें एयर यह एक इस तरह से होता है और इसे इसका आकार जो होता है ये दंडाकार भी होता है और शंक्वाकार भी होता है। इसको हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। मुर्गे के नेत्र में रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जग जाता है तथा जब सूर्यास्त होता है तो सो जाता है। जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव, देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्थान है इस तरह से इसमें एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है या इसे काचाभ द्रव भी कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र के बीच में एक नमकीन द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है। जो द्रव भरा रहता है कैसा होता है? नमकीन होता है। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है। देख रहे हैं पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहा जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भरा रहता है इसे काचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का काचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक लगभग 1.33 के बराबर होता है। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोध कहलाता है और यह नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग काचाभ कक्ष भी कहलाता है। इसके बाद पीत बिंदु रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। देख रहे हैं रेटिना है। इस रेटिना का केंद्र जहाँ पर रेटिना का केंद्र होता है रेटिना के पास एक गोला इस तरह से एक पीला बिंदु होता है
और उस पीले बिंदु को पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बहुत ही स्वच्छ और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसलिए इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और अंत में हम पढ़ेंगे अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है? तो अंधबिंदु देखिए, प्रकाश जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती है, देख रहे हैं यहाँ से होकर के दृष्टि नाड़ियां जो होती हैं वो मस्तिष्क, इसको देखिए प्रकाश तंत्र के कहा जाता है, और यहीं से होकर के सारी दृष्टि नाड़ियां जो होती हैं वे मस्तिष्क को जाती हैं और मस्तिष्क को संकेत देती हैं और मस्तिष्क को संदेश देती हैं कि, और उसी बिंदु को हम अंधबिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को हम, यह बिंदु जो होता है इसको अंधबिंदु कहा जाता है। अंधबिंदु, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आँख के बारे में पढ़ा, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आँख के, आँख से जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के द्वारा उसको सीधा करके या स्पष्ट करके उसको पढ़ा या देखा जाता है। तो मानव नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो किसी भी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें हमेशा नेत्र के कार्निय पर आपतित होती तथा अपवर्तित होकर के क्रमशः व जलीय द्रव, देख रहे हैं जलीय द्रव, यदि है जलीय द्रव में, जलीय द्रव नेत्र जल और काचाभ से होता हुआ वो लेंस पर पड़ता है, और जब लेंस पर पड़ता है तो लेंस से हो करके वो रेटिनियर पर जा करके उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाएं तुरंत मस्तिष्क को भेजती हैं, इस तरह से यहाँ से इनको मस्तिष्क से भेज दिया जाता है, मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा कर लेता है और सीधा करके तब उस प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखता है और सभी अंग तंत्रों को वह उस प्रतिबिंब के बारे में अनुभव कराता है। तो आशा करते हैं आपको इस बारे में अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।